सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने खरगोश और हाथी देखा था, ये पाठ पढ़ा था, तो आज हम इसके शब्दार्थ, भाषा ज्ञान, क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रश्न उत्तर लिखित मौखित देखने वाले हैं और कुछ करने को। तो इससे पहले हम एक बार फिर से पाठ पढ़ते हैं। इसके लिए आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और खरगोश और हाथी ये पाठ निकालना है, पेज नंबर 45। तो आपको ये पाठ में एक बार फिर से हम पढ़ते हैं सभी मिलकर, पेज नंबर 45, खरगोश और हाथी 45। तो आप सब तैयार है? तो आप सब ने खरगोश और हाथी पाठ 7वां ये पाठ निकाला है, तो आज आपको ये पाठ पढ़ना है, ध्यान से और जोर से पढ़ना है। मेरे साथ पढ़ो या मेरे बाद, लेकिन आपको भी पढ़ना है, तभी आपको पढ़ना आएगा। तो देखो, पाठ 7वां, खरगोश और हाथी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। नरम नरम घास खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। ठीक है, पेज नंबर 46 निकालो, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। जोर से पढ़ना है आपको। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी
में सुराग कर खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराग कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराग दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, जिसे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की, आगे के पेज पर है उसके आगे, सरोवर में पेज नंबर 47 निकालो, उसके आगे की लाइन उसके पेज नंबर 47 पर है। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, सरोवर में क्या हो रहा था, हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज। चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहां से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो ये हुआ हमारा पेज नंबर 47, यानी कि आज हमने खरगोश और हाथी पाठ पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ना आना चाहिए, इसलिए आप बार बार वीडियो देखेंगे और उस पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं अभ्यास, यानी कि शब्दार्थ पाठबोध देखते हैं। तो चलो पेज नंबर 48 निकालो। अब देखो शब्दार्थ, सरोवर, तालाब, नरम, मुलायम, कुचलना, दबाना। सरोवर, तालाब, सरोवर, तालाब, नरम, मुलायम, कुचलना, दबाना। परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, परिवार, एक घर में रहने वाले लोग। भांजे, बहन के बेटे, भांजे, बहन के बेटे। समीप, पास, समीप, पास। सुराग, छेद, क्षमा, माफी, तकलीफ, परेशानी। भांजे, बहन के बेटे, समीप, पास, सुराग, छेद, क्षमा, माफी, तकलीफ, परेशानी। ये हुए हमारे शब्दार्थ, ये भी आपको लिखने हैं। अब देखते हैं मौखिक, हाथियों के बच्चे क्या करते थे। हाथियों के बच्चे पेड़ पौधे तोड़ते थे, पेड़ की डालियां तोड़ते थे, पौधे को कुचलते रहते और एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। खरगोश दुखी क्यों थे, क्योंकि जमीन, हाँ खरगोश दुखी क्यों थे बताओ, जमीन बताओ। खरगोश के परिवार जमीन के नीचे दब गए थे हाथियों के भार से कारण, है ना। खरगोश के सरदार ने बचने का क्या उपाय सोचा, तो खरगोश के सरदार ने बचने का क्या उपाय सोचा बताओ। सही बताया आपने कि कुछ, खरगोश के सरदार ने क्या किया,
कुछ चुने हुए खरगोश को लेकर वो हाथियों के सरदार को मिलने का उपाय सोचा। अब खरगोश कहाँ रहते थे? तो खरगोश जमीन के नीचे जो सुराख बनाया था ना उसमें रहते थे, यानी कि बिल के अंदर वो रहते थे, है ना। अब देखो ख प्रश्न लिखित वाला, मौखिक के तीनों हो गए, अब लिखित वाला ख देखो। खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर, अभी अभी मौखिक में भी हमने सोचा था ना उपाय के बारे में, क्या सोचा तो वही उसका आंसर है। अब देखो खरगोश दुखी होकर किसके पास गया? खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गया। अब देखते हैं ग, रात होने पर चांद कैसा निकला? रात होने पर चांद कैसे निकला? पूरा निकला। अब देखते हैं घ, इसके लिए आपको पेज नंबर 49 निकालना है। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? देखो हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, हमारी वजह से किसी को यातना हो या किसी को परेशानी हो, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। और उन्होंने क्षमा मांगी। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, सही चित्र तक रेखा खींचकर वाक्य पूरे करो। अब देखो यहाँ हाथी, खरगोश और चांद दिया है। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए, नाराज था, ने चांद से क्षमा मांगी और बहुत दुखी थे। अब देखो ये चित्र, ने चांद से क्षमा मांगी, किसने चांद से क्षमा मांगी? हाथी ने। तो दो नंबर का वाक्य एक नंबर के चित्र को आप जोड़ेंगे, चांद ने हाथी ने चांद से क्षमा मांगी। अब खरगोश कैसे थे? दुखी हो गए थे, बहुत दुखी थे। तो तीन नंबर का वाक्य दो नंबर के चित्र को आप मिलाएंगे या मैच करेंगे। तो चंदा कैसा था? नाराज था। तो चंदा नाराज था। तो तीन नंबर के चित्र को आप एक नंबर के पिक्चर से मिलाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं भाषा ज्ञान। ऊंची आवाज़ में पढ़ो क, ये है संयुक्ताक्षर, जोड़ शब्द है ना, हमें इसे मोटी आवाज़ में ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, को को, तभी आपको जोड़ शब्द वाले शब्द पढ़ने आएंगे, जोड़ाक्षर पढ़ने आएंगे, नहीं तो पढ़ने नहीं आएंगे। तो ध्यान से देखो, पढ़ो और इसका प्रयास करो, इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार उसे पढ़ने का प्रयास करो। को को, मक्का पक्का चक्की, क मक्का पक्का चक्की, ये क क को जुड़ा है, आपने मराठी में पढ़ा है ना जोड़ाक्षर का अभ्यास में, उसी तरह हिंदी में भी आपको जोड़ाक्षर आने ही चाहिए। क मक्का पक्का चक्की, जोर से पढ़ो एक बार, मक्का पक्का चक्की। अब देखो च, च च को जोड़ा है, अब जोर से पढ़ना है आपको, बच्चा कच्चा सच्चा, च बच्चा कच्चा सच्चा, ये इसका प्रयास करना है आपको, तभी आपको जोड़ाक्षर पढ़ने आएंगे अच्छे से, बच्चा कच्चा सच्चा। ट मिट्टी खट्टा चट्टान, ट मिट्टी खट्टा चट्टान। न प्रसन्न अन्न गन्ना, न प्रसन्न अन्न गन्ना, न प्रसन्न अन्न गन्ना। प गप गोलगप्पा छप्पर, प गप गोलगप्पा छप्पर, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और जोर से पढ़ना है, उसका प्रयास भी करना है। तो हम आगे देखते हैं पेज नंबर 50। तो देखो विलोम शब्दों में शब्दों से रेखा खींचकर मिलाओ, तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द से रेखा खींचकर
मिलाओ, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड को आपको मिलाना है। जो इधर का शब्द है उसका विरुद्ध शब्द आपको ढूंढकर मिलाना है, आपस में उसका मेल कराना है। जैसे कि गीली, गीली के विरुद्ध क्या है? सूखी। यहाँ दिखा है ना लाल रेशा में, रेखा में, गीली सूखी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, छोटा बड़ा, दूर पास, गीली सूखी, अंदर बाहर, छोटा बड़ा, दूर पास। तो इस तरह से आपको इसकी रेखा खींचकर दिखाना है और उसे याद भी करना है। तेज धीरे, तेज तेज धीरे, हल्का भारी, प्रश्न उत्तर। अब देखो प्रश्न उत्तर, दुखी सुखी। तो ये हुए विलोम शब्दों की जोड़ियाँ हमने बनाई इस शब्द से। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा भाषा ज्ञान का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो जानो और लिखो, हमें यहाँ जानना भी है और लिखना भी। अब कैसे ये इन्होंने एक उदाहरण दिया है, नरम नरम, बहुत नरम, छोटे छोटे, बहुत छोटे, छोटे छोटे, बहुत छोटे, गरम गरम, बहुत गरम, गरम गरम, बहुत गरम, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, पास पास, बहुत पास। इस तरह से हमें समझकर जानकर अच्छी तरह से लिखना है। अब देखो प्रश्न चौथा भाषा ज्ञान का, सही उच्चारण के साथ पढ़ो और उसे लिखो। अब हमें क्या करना है, सही उच्चारण के साथ इसे अच्छी तरह से पढ़ना है पहले और बाद में उसे लिखना है। श आशा शरारती, श आशा शरारती, ये है श। आप देखो दूसरा क्ष, दोष वर्ष, दोष वर्ष, क्ष दोष वर्ष, सही पढ़ना है, सही उच्चारण करना है, श क्ष दोष वर्ष। सभी सभी सरदार, सभी सरदार। आप देखो यहाँ आपको ट्रेस करना है, शोभा खरगोश, भाषा विषय दूसरे सरोवर, और इसका उच्चार भी अच्छी तरह से करके आपको अच्छी तरह से लिखना है और उसे किताब में ट्रेस भी करना है, टेक्स्ट बुक में। तो आप आगे देखते हैं सुलेख लिखो, यानी कि सुंदर हस्ताक्षर में हमें ये शब्द लिखने हैं, जहाँ के ऊपर चांद अनुस्वार है ना। तो देखो चांद, अच्छा हस्ताक्षर में टेक्स्ट बुक में लिखो और नोटबुक में भी लिखो। चांद, कांपना, पहुंच, सूंड, यहाँ। चांद, कांपना, पहुंच, सूंड, यहाँ। तो ये आपको समझ में आया, ये है अनुस्वार, यानी कि चंद्रबिंदु है ना, ऊपर चंद्रबिंदु है। इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और सुंदर हस्ताक्षर में लिखना भी है। अब देखते हैं पेज नंबर 51 का छठा प्रश्न भाषा ज्ञान का। तो चलो निकालो समान अर्थ वाले शब्द। प्रश्न दूसरा था विलोम शब्द, जो समान अर्थ दिया था उसका विलोम शब्द से मिलान कराना था, मिलाना था, जो हमने देखा दूसरे प्रश्न में। आप देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द हमें क्या करने के लिए कहते हैं। सरोवर, सरोवर के समानार्थी शब्द देखो, तालाब सर। गुस्सा, नाराज अप्रसन्न, गुस्सा नाराज अप्रसन्न। चांद, चंद्रमा शशि, चांद चंद्रमा शशि। तो ये हुए हमारे समानार्थ वाले शब्द। एक शब्द को अनेक समानार्थी शब्द होते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि इसका ये समानार्थी शब्द है। इसीलिए हमें शब्द भंडार बढ़ाना है तो क्या करना है, पाठ के नीचे दिए हुए और पाठ में जितने भी समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द आते हैं उसे हमें अच्छे तरह से याद करना है। तो देखो प्रश्न भाषा ज्ञान का सातवां
प्रश्न है, भाषा ज्ञान का आखिरी प्रश्न है, ये श्रुत लेखन करना है। आप श्रुत लेखन करने के लिए आपको यहाँ एक पैसेज लिखना है, यानी कि पैराग्राफ दिया है, खरगोश बोला और डैश डैश करके बहुत नाराज। तो ये आपको मैं बताती हूँ कि ये कहाँ पर है। खरगोश बोला सरोवर के, मैं एक बार फिर से पढ़ा कर दिखाती हूँ आपको, पेज नंबर 46 पर है ये। आप देखो पेज नंबर 46 पर हम जाते हैं, हाँ आ गया हमारा पेज नंबर 46। देखो तो यहाँ देखो है ना, खरगोश बोला सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए हैं, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। ये है आपका श्रुत लेखन, पेज नंबर 46 का पैराग्राफ है वो, 1, 2, 3 और 4 नंबर का है। हाथी बोले बोला, इसके नीचे है खरगोश बोला। यहाँ से बहुत नाराज तक आपको ये पैराग्राफ 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, और बाद में ही आप अपनी माँ से या किसी भाई बहन होंगे बड़े घर में, जो भी बड़ा है घर में, उससे आप बोलेंगे कि ये मुझे पढ़ाओ, पढ़कर सुनाओ, मैं बिना देखे इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, वो बार बार पढ़ना है, देखना है उसके शब्द कैसे लिखे हैं कैसे नहीं, उसे ध्यान से देखो और याद करो, और बाद में ही घर में जो भी बड़ा है उनको बोलो और लिखने का प्रयास करो। पहली बार गलतियाँ होगी और उनसे चेक करवा कर भी लो कि गलत क्या हुआ है, और उसे चेक करने के बाद जो भी शब्द हमारा गलत हुआ है उसे सही शब्द उस पैराग्राफ में देख कर 5 बार लिखो, आप फिर से गलत नहीं लिखेंगे, है ना। तो इससे आप लिखने का प्रयास हो जाएगा और पढ़ने का भी प्रयास हो जाएगा, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो आपको हिंदी भाषा भी अच्छे से आ जाएगी, तो ठीक है। तो श्रुत लेखन के लिए आप घर में किसी की भी मदद ले सकते हैं। आप देखो कुछ करने को, ये आपका पसंदीदा पेज है तो ये आपको बहुत पसंद है। तो पहले क्या करेंगे, इन चित्रों को पूरा कर रंग भरेंगे। तो यहाँ ट्रेस किया है, तो यहाँ डॉट डॉट दिए हैं, इसको आपको पहले ट्रेस करना है पेंसिल से अच्छी तरह से डार्क, और बाद में इसमें रंग भरने हैं। तो किताब में भी करो और ड्राइंग बुक में भी करो, तो आपको ड्राइंग बुक में भी एक अच्छा नई सी कला आपको सीखने मिलेगी, और ड्राइंग भी हो जाएगा आपको अभ्यास से, यानी कि पढ़ाई से कुछ अलग करने का अनुभव भी मिलेगा, है ना। ड्राइंग तो सबको पसंद है, तो किताब में करके आप अपनी ड्राइंग बुक में भी करेंगे और अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे, अच्छे से कलर करेंगे और अच्छे सा इसका चित्र निकालेंगे, और उस चित्र में अच्छे से पिक्चर निकालेंगे। देखो खरगोश कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, नीचे ग्राउंड है, वो कैसे आप दिखाएंगे, कैसे पिक्चर्स में कलर भरेंगे, उसे आप प्रयास करेंगे तो अच्छे से ये आपको आएगा। और ये चित्र आप अपनी ड्राइंग बुक में जरूर निकालेंगे, कुछ अलग करने को आपको मिलेगा। तो आपको ये पार्ट पसंद आया, तो आपको क्या क्या करना है, भाषा ज्ञान, मौखिक, लिखित और शब्द अर्थ, और उसमें से जितने भी शब्द अर्थ आते हैं वो आपको याद करने हैं, और श्रुत लेखन का ध्यान से करना है, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है परीक्षा में, यानी कि आपकी टेस्ट में या परीक्षा में आपको कुछ भी आ सकता है ना। तो ये पार्ट आपको अच्छी से समझ में आया है ऐसा मैं समझती हूँ। और कुछ समस्या हो तो आप अपनी हिंदी के टीचर को जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो हर दिन आपको देखना ही है, आप देखा है या नहीं इसका स्क्रीनशॉट आप अपने हिंदी के टीचर को भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद सभी छात्रों को मेरा, बाय।